हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार और हैंडसम हंक महेश बाबू के बारे में, जिन्होंने हाल ही में अपनी मूवी के ट्रेलर लॉन्च के दौरान एक स्टेटमेंट दिया था। जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप हिंदी मूवीज़ नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं पैन इंडिया मूवी जो कि सारे लैंग्वेजेस में रिलीज़ हो रही है, तो आप हिंदी मूवी बॉलीवुड मूवी नहीं करना चाहते, तो महेश बाबू ने इस क्वेश्चन पे ये आंसर किया कि मुझे बहुत सारी मूवीज़ के ऑफ़र तो आते हैं बॉलीवुड से, पर मैं नहीं करना चाहता, मैं अपना समय वहाँ पे बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं अपने टाइम को वहाँ वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि बॉलीवुड वाले मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह का प्यार, जिस तरह का सम्मान, जिस तरह का पॉपुलैरिटी उनकी साउथ की इंडस्ट्री में है, उन्हें वहाँ मिलता है, वहाँ के लोगों के द्वारा मिलता है, वो उनके लिए काफ़ी है। वो दूसरे जगह जाके किसी भी तरह की मूवी नहीं करना चाहते। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो सिर्फ अपनी इंडस्ट्री की ही, मीन्स अपने रीजनल लैंग्वेज में ही मूवी करना चाहते हैं। अगर बॉलीवुड या मीन्स ऑडियंस को अगर उनकी मूवी देखनी हो तो हिंदी डब में देखें, अदरवाइज़ वो कोई हिंदी लैंग्वेज में और बॉलीवुड में मूवी करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो उनके इस स्टेटमेंट के बाद बहुत ज़्यादा ही खलबली मच गई। बहुत सारे लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें बुरा भला बोल रहे हैं कि इन्हें बहुत घमंड आ गया है, ये वो बहुत तरह की बातें हो रही है। पर अब उनकी चॉइस है, उन्हें मूवी करना है, और इतने दिनों के हार्डवर्क के बाद उन्होंने साउथ में तेलुगु इंडस्ट्री में अपना एक जगह बनाया, अपना एक प्लेस बनाया जहाँ लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं, वो वहाँ इतना लोग उन्हें देखना चाहते हैं। सो उनका चॉइस है वो कहाँ मूवी करना चाहे, कहाँ मूवी नहीं करना चाहे। ऐसे भी 90s के टाइम में हमने देखा होगा कि साउथ के कुछ स्टार जैसे वेंकटेश हो गए, चिरंजीवी, नागार्जुन, कुछ हिंदी मूवीज़ उन्होंने की थी, पर उन्हें उस टाइप का नेम, फेम, पहचान कुछ नहीं मिला। और चिरंजीवी अपने इंटरव्यू में बोले भी थे ये बात को कि उन्हें हमेशा, मीन्स साउथ के एक्टर को हमेशा साइडलाइन कर दिया जाता था और इंडियन सिनेमा के हीरो के तौर पे उन्हें नहीं दिखाया जाता था। और जब आज सिचुएशन पूरा उल्टा है, साउथ की मूवी एकदम दमदार परफॉर्मेंस कर रही है बॉक्स ऑफिस पे और अपना, मीन्स अपना लोहा मनवा चुकी है, जैसे कि ट्रिपल आर, KGF चैप्टर 2, पुष्पा, बाहुबली, इतनी सारी मूवी आप देख उठा के देख सकते, इतनी सारी मूवी एग्जांपल है यहाँ पे। जब एक से एक मूवी साउथ में ही बन रही है तो अब क्यों वहाँ के एक्टर बॉलीवुड में जाके मूवी करना चाहेंगे, जो कि बॉलीवुड सिर्फ कॉपी, रीमेक, बायोपिक यही पे टिका हुआ है। तो सही बात है, उनकी चॉइस है, भले लोग जो भी बोले, पर उनका मर्जी। सो ये तो था महेश बाबू का स्टेटमेंट और उनकी मर्जी। तो आप लोग का क्या थॉट्स है इसके बारे में? आप क्या सोचते हो कि महेश बाबू ने जो बोला वो सही था या गलत? आप अपने थॉट्स को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक माई वीडियो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अभी के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।